देखिए, अगर आपके ब्लॉगर में एरर आ रहा है, ये देखिए, और जो एरर है वो कौन सा है दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, यहाँ पर एरर है, ये देख लीजिए। एक तो है रीडायरेक्ट का, ठीक है, और एक है नो इंडेक्स का। तो इसको आपको किस तरीके से ठीक करना है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आना है गूगल पर। यहाँ पर सर्च करना है चेंज गूगल बॉट क्रॉल रेट, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा, देखिए यहाँ पर, ये देखिए वाला चेंज गूगल बॉट क्रॉल रेट, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आना है नीचे, और यहाँ पर क्लिक करना है, ये देख लिखा हुआ है लिमिट क्रॉल रेट, इस पर, ठीक है, सेटिंग पेज पर, इस पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये पेज का तभी खुलेगा जब आपने यहाँ पर साइन इन किया हो उसी ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी से आपका ब्लॉगर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए दो सेटिंग मिलेंगी, जब आप ओपन करोगे तो नॉर्मली ये वाला होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको उसको चेंज करके यहाँ कर देना है, और इसको कर देना है लो बिल्कुल, ठीक है, लो कर देना है। इसके बाद सेव पे क्लिक करना है, सिंपली क्लिक कर लिया, और देखिए नीचे लिखा गया है कि ये हमारा 8 जुलाई तक इफेक्ट रहेगा, ठीक है, इफेक्टेड रहेगा 8 जुलाई तक। उसके बाद आप दोबारा कर सकते हो अगर चाहो तो। फिलहाल 8 जुलाई तक ये सेटिंग सेव रहेगी आपकी, ठीक है। तो पहला का आपको ये करना है कि आपको अपने क्रॉल रेट को कम करना है, उसकी लिमिट को कम करना है, जो मैंने कर दी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस हटा देता हूँ, और अब आपको आना है अपने वेबसाइट पर, जो आपकी वेबसाइट है उस पर आना है, ठीक है। यहाँ पर मैं वेबसाइट पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद देखिए, अब आपको गूगल सर्च कंसोल में जो आपका ये है सर्च कंसोल, एक सेकंड, ये है जो सर्च कंसोल में आपको अपने जो पेजेस हैं उसको इंडेक्स करना होगा। अब इंडेक्स आपको कुछ अलग तरीके से करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, इंडेक्स करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट आपने खोल ली, ठीक है, या फिर आप सिंपली यहाँ पर ब्लॉगर का पेज खोल लीजिए। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, जैसे ये पेज मुझे करना है इंडेक्स, ठीक है, सिंपली यहाँ पर मैं इधर जो ये पेज है, यहाँ पर कहाँ है ये वाला, ये पेज है ना, इस पर क्लिक कर लूँगा, ठीक है। अभी नॉर्मली क्या कर देते हैं हम सिंपल इसको कॉपी करके फिर यहाँ पर पेस्ट कर देते, ऐसे कर देते, पर अब आपको ऐसा नहीं करना। अब क्या करना है, अब पहले आपको इस वेबसाइट को, इस पेज को मोबाइल में खोलना है। मोबाइल में कैसे खोलेगा, इंस्पेक्टर पर गया, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए ये, इस पर क्लिक करना है मोबाइल व्यू पे, ठीक है, कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने हिसाब से कोई भी फ़ोन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं आईफोन एक्स कर लेता हूँ। इसके बाद एक बार रिफ्रेश करना है, ठीक है, ओ कट गया, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा खोलना पड़ेगा इंस्पेक्ट। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको इस वाले पेज का जो यूआरएल है, ये वाला जो यूआरएल है इसको डालना है अपने गूगल सर्च कंसोल में। यहाँ पर सिंपली इसे कॉपी कीजिए, और अब इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, अब इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है, और एंटर मारेंगे। ये देखिए हमारा जो रिक्वेस्ट है वो हो रही है, और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सिंपली टेस्ट लाइव यूआरएल, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो पेज है वो अवेलेबल हो चुका है, इंडेक्स हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली भी है, ठीक है। तो यही काम आपको करना था, आपको सारे पेज अपने मोबाइल फ्रेंडली ही करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है,
जो भी पेज या जो भी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, गूगल पहले उन्हीं को इंडेक्स करता है। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे हम, पहले आप इसमें देख लीजिए, जो यहाँ पर लास्ट में देखिए, इस यूआरएल के लास्ट में HTML, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क m=1 है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए m=1 है। ठीक है, जबकि आप नॉर्मली अगर वेबसाइट को खोलोगे, यहाँ पर खोल लेता हूँ एक सेकंड में, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं किसी पेज को खोलता हूँ तो देखिए यहाँ पर यूआरएल में लास्ट में सिर्फ HTML है, समझ रहे हो, मतलब ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। इसी वजह से क्या हो रहा है, हमें एरर आ रहा है और हमारे जो पेज हैं वो इंडेक्स नहीं हो पा रहे। ठीक है दोस्तों, तो यही काम आपको करना है, आपको हर पेज को मोबाइल फ्रेंडली बनाकर उसको गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स कराना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, पेज को खोल के यहाँ पर पेज खोल लिया आपने, इसके बाद सिंपली आना है इंस्पेक्ट में, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल करके, और ऊपर का जो URL है, अभी देखिए, अभी नहीं खोला, देखिए अभी HTML ही है, यहाँ पर देखो अभी HTML ही है। ठीक है, तो अभी खुला नहीं है, खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा दिखाता हूँ, रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। अब देखिए अब आ गया आपका, ये देखिए m=1 आ गया। ठीक है, तो ये वाला URL आपको इंडेक्स करवाना पड़ेगा गूगल सर्च कंसोल में हर पेज का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपकी हेल्प ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।